हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? होप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण क्लास 9 के लिए मैथ। ठीक है, इसके बारे में हमने काफी कुछ पढ़ा भी था। पहली वर्कशीट में हमने इसका इंट्रो पढ़ा था, तो आज हम इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे। ठीक है, उदाहरण नंबर 1। देखिये, नीचे जो है 50 नंबर दिए गए हैं, उसका एक टेस्ट है क्लास 9 के लिए। 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक हैं। ये 30 विद्यार्थी आप लोग गिन लेंगे और इसको गिनने के बाद आप इसको इसके बेस पे, ये हमारे पास 50 नंबर के एक टेस्ट है। ठीक है, 30 विद्यार्थियों के दिए हुए हैं और उनके अंक ऐसे ऐसे आए हुए हैं। तो निष्कर्ष तक पहुंचने में बड़ी कठिनाई होती है कि भाई ये आंकड़े आप लोग देख रहे हैं तो सबसे अधिक अंक किसके आए, न्यूनतम अंक किसके आए। तो इसको अगर निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पा रहे, ये तो रॉ डेटा है ना हमारे लिए एक तरह से, तो इसके बेस पे हम क्या करेंगे कि टेबल के रूप में इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले तो इन आंकड़ों को हम आरोही या अवरोही क्रम में लगा देंगे। ठीक है, टेबल के रूप में बनाना है तो आरोही या अवरोही क्रम में। आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम और अवरोही होता है घटते क्रम में। तो जो आंकड़े हैं हमें उसे आरोही अवरोही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ जो है अंक लिखेंगे। आप देखिए कि कौन सा अंक कितनी बार आ रहा है, 2। तो अपने क्रम में लगा दिया, तो हमने देखा कि ये 2 जो है कितनी बार आ रहा है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, जितना भी यहाँ लिखा हुआ है सबका निचोड़ यही है। ठीक है बेटा, 2 आ रहा है 2 बार, तो हम यहाँ 2 डंडे खींच देंगे इसे और यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो टेबल में होगा क्या, अंक लिखने हैं, मिलान चिन्ह लिखना है और विद्यार्थियों की संख्या, जिसको बारंबारता बोलते हैं। बारंबारता मतलब कि कोई संख्या कितनी बार आ रही है। तो 2 बार आया, उसी तरह से 5 कितनी बार आया बेटा, 2 बार आया, तो हमने 2 लिख दिया यहाँ पे, 2 डंडे खींच दिए। 12 1 2 3 4 बार 12 आया है, तो 4 डंडे खींच दिए और 4 यहाँ लिख दिया। ठीक है, 4 बार आया है। 17 3 बार आया है, तो हमने 3 लिख दिया। 19 1 2 3 4 5 बार आया है, तो 19 देखिए 5 बार आया। तो जब 4 डंडे खींचने के बाद पांचवा ऐसे खींचना है, हमेशा पांचवा ऐसे खींचना है। ठीक है, हर 4 के बाद पांचवा ऐसे खींचना है। तो ठीक वैसे 21 5 बार आया, 25 1 बार है, 33 3 बार है, 39 1 बार है, 40 1 बार है और 41 3 बार है। आप इसको देख सकते हो ऊपर। ठीक है, इनका जब हम 12 बार का योग करेंगे तो ये कुल 30 के बराबर आना चाहिए, 30 बच्चों के बराबर आना चाहिए। आ गया ये। ठीक है, अब हमने क्या इसमें जाना, तो सबसे पहले हमने जाना है कि हमारे को एक रफ डेटा दिया गया है जिसको हमने आरोही या अवरोही बढ़ते या घटते क्रम में लगा दे, तो सरलतम होता है बढ़ते क्रम में लगाना। और उसके बाद हमने ये अंक निकाल लिए। तो अब इसमें सब जब हमें वो निकालना है, सबसे अधिकतम अंक किसके आए, हमने देखा सबसे अधिकतम 41 अंक आए हैं 50 में से, और सबसे कम आए हैं 2 अंक। तो ठीक है, सबसे अधिकतम और सबसे कम अंक हमें पता चल गया, अधिकतम अंक और न्यूनतम अंक। तो अधिकतम में से जब न्यूनतम को घटाएंगे उसी को बोलते हैं परिसर या रेंज। तो परिसर का मतलब होता है अधिकतम माइनस न्यूनतम। क्या होता है बेटा, अधिकतम माइनस न्यूनतम। ठीक है, तो ये परिसर को बोलते हैं अधिकतम माइनस न्यूनतम। तो 41 में से 2 गया, 39 आ गया परिसर, ये रेंज है इसकी। एक तो ये बात हो गई कि परिसर क्या होता है, हमने ये पता लगा लिया। दूसरी बात ये हो गई कि हमने इसको टेबल में, ठीक है, टेबलर फॉर्म में करना सीख लिया। तो इसे आवर्तीकृत बारंबारता बटन सारणी कहते हैं। बारंबारता बटन सारणी भी आपको याद है तो इसको बोलते हैं इसी को। जब कहा जाए आपको 12 बटन सारणी निकालिए, तो आप इस तरह से टेबल के रूप में बना लेंगे। और कुल हमेशा मैच होना चाहिए जितना आपके दे रखा होगा। जैसे यहाँ पे कुल विद्यार्थी 30 दिए हुए थे, तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। 8वीं कक्षा में 30 विद्यार्थियों के ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह ये है। कितने विद्यार्थी है पहले बताइए, 30 है। ठीक है, और ए बी ओ ए बी यही 4 ब्लड ग्रुप है ना, तो ये हमें दे रखे हैं, ये टोटल 30 है। तो जब हम बारंबारता बनाएंगे, तो चलिए बारंबारता बनाते हैं। क्या बोला है, बारंबारता बटन सारणी यानी कि टेबल के रूप में हमें प्रस्तुत करना है। तो सबसे पहले तो हम एक टेबलर फॉर्म ले ही लेते हैं। ठीक है, आयत ले लेते हैं, समझ में आ जाएगा। तो ये हमने बहुत है ना, बहुत है। ठीक है, हाँ, तो और यहां पे हम लोग एक लाइन है ब्लड ग्रुप के बारे में आ जाएगा, अच्छा मिलान चिन्ह आ जाएगा और बारंबारता आ जाएगी, है ना।
क्वेश्चन नंबर एक। तो सबसे पहले क्या लिखना है हमें, रक्त समूह, क्या लिखना है हमें यहाँ पे, रक्त समूह, ठीक है। अच्छा इसको क्रम में लगा लीजिएगा, क्रम में लगाने का मतलब है पहले ए ए वाले लगा लिए, फिर बी वाले, फिर ओ वाले और फिर ए बी वाले, इस तरह से आप कोई सा भी लगा सकते हैं। रक्त समूह लिख दिया, यहाँ क्या था हमारा सेकंड मिलान चिन्ह, ये था ना मिलान चिन्ह, ठीक है। और उसके बाद बारंबारता है ना, जिसे हमने बारंबारता बोलेंगे, या विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, और जिसका दूसरा नाम है बारंबारता। चलिए अब चलिए करते हैं क्वेश्चन। हाँ तो ए बी लिख लेते हैं हम, कौन कौन से रक्त समूह है, ए है, बी है, ओ है, और अगला है ए बी ओ, और इस तरह से यहां पे हमारा कुल आ जाएगा, कुल मतलब यहां पे कुल आएगा। तो चलिए ए देखें कितनी बार है, ए है एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ, नौ बार है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नौ लिख लेते हैं, अब देखिए कैसे बनाना है, एक दो तीन चार हो गया, पांच वैसे काटना है, छ सात आठ नौ हो गया। बी देखिए एक दो तीन चार पांच छ, बी है छह बार, यानी एक दो तीन चार पांच छ हो गया। ओ देखते हैं ओ कितनी बार है, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, तो ओ है बारह बार, तो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। अब ए भी देख लेते हैं, एक दो तीन, बस तीन ही बार है, ठीक है जी, तो हम लिख देते हैं उसको भी, यहाँ तीन लिख लेते हैं, और एक दो तीन डंडे, अब इसको जोड़िए, नौ और छह पंद्रह, पंद्रह और दस पच्चीस, और पांच तीस, और तीस ही बच्चे थे ना बेटा, देख लो तीस बच्चे थे कि नहीं थे, तीस ही बच्चे थे यहाँ देखो। अब कह रहे हैं बारह मारता बटन सारणी बनाना है, बना दिया हमने। उसके बाद क्या कह रहा है, कौन सा रक्त समूह सबसे अधिक सामान्य है और कौन सा सबसे अधिक विरल है, तो ये बताइए जो कम है वो विरल है और जो ज्यादा मात्रा में वो सामान्य है, तो क्या लिखेंगे, सबसे अधिक सामान्य रक्त समूह कौन सा बेटा, जो ज्यादा बार है यानी कि बारह, और सबसे अधिक विरल, विरल मतलब कि जो कम मिलता हो रक्त समूह, तो वो तो तीन ही बार मिल रहा है, तीस में से तीन ही लोगों में था, तो वो ये है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर वन का आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर वन का आंसर हमारा हो गया। अब हम ये लाइन खींच लेते हैं, आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दो बोल रहा है, तो उसके लिए भी हमें ऐसी सारणी बनानी होगी, तो हम बना लेते हैं, पहले तो एक टेबल ले लेते हैं और टेबल को बना लेते हैं, बना दिया। और इसके बाद हमने यहाँ पे ये लाइन खींच दी, और क्या था यहाँ पे, एक लाइन आएगी फिर मिलान चिन्ह आएगा, है ना। अब बोला क्या है, सवाल पढ़े, सवाल क्या कह रहे हैं, सवाल है क्वेश्चन नंबर दो में, 40 परिवार है, तो टोटल 40 है, बच्चों की संख्या के आंकड़े, यानी 40 परिवार में कितने कितने बच्चे, हर परिवार में किसी के परिवार में दो बच्चे हैं, किसी के परिवार में एक बच्चा है, किसी के परिवार में तीन है, चार है, और जीरो का मतलब एक भी बच्चा नहीं है, तो ये क्या है हमारा, क्या है ये, बच्चों की संख्या, यही है ना, तो हम इसे क्या लिखेंगे यहाँ पे, बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या। अच्छा यहां क्या लिखते हैं हम, मिलान चिन्ह, और अगला है बारंबारता, ठीक है, या परिवारों की संख्या,
जिसको हम बोलते हैं कितने परिवार हैं, परिवारों की संख्या, जिसको दूसरा नाम हो गया हमारा बारंबारता, यानी कितने बार आया। तो बच्चों की संख्या हम देख रहे हैं जीरो से है, हम इसको पहले आरोही क्रम में लगा देना बेटा, आरोही क्रम में लगाना है आपको। कौन से क्रम में लगाना है, आरोही या अवरोही क्रम में लगाना है, तो आप इसे बढ़ते क्रम में लगा लीजिएगा। और उसके बाद बच्चों की संख्या हम देख रहे हैं जीरो बच्चे, यानी एक भी बच्चा नहीं है, एक बच्चा, दो, तीन, कहां तक है, चार तक नजर आ रहा है, चार के अलावा तो नजर नहीं आ रहा हमें, तो चार। चलिए अब मिलान चिन्ह बनाते हैं, सबसे पहले जीरो देखते हैं कितनी बार है। तो इसको आपको आरोही क्रम में बनाना है सबसे पहले, ठीक है, आप ये काम आपके लिए है। एक, दो, तीन, चार, पांच, जीरो वाले कितने बच्चे हैं बताइए, कितने परिवार हैं, पांच। तो हमने यहां पहले पांच लिख लेते हैं ताकि याद रहे, वन टू थ्री फोर फाइव। अच्छा, एक वाले एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, नौ है तो नौ लिख लेते हैं हम यहाँ पे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, हो गया ना। दो वाले एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, ये तो बहुत ज्यादा है भाई, यानी ऐसे परिवार पंद्रह परिवार है जहां पे दो बच्चे हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, है कि नहीं। अच्छा लग रहा है ना, ऐसे डिजाइन भी सुंदर लग रहे हैं। थ्री वाले एक, दो, तीन, चार, पांच, वेरी गुड, तीन बच्चे वाले पांच परिवार हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच। चार बच्चे वाले देख ले, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, और भी है क्या, टोटल मैच करके देखेंगे कितना आ रहा है। तो ये तो छह निकले, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। अब इसका हम कुल करते हैं, है ना, कुल परिवार, कुल तो 40 परिवार थे, कुल आना चाहिए। तो देखिए 9 और 5 14, 14 और 10 24, और 10 34, और 6 40, आ गया आंसर तो आ गया हमारा, है ना। और क्वेश्चन क्या बोला था, बारंबारता बटन सारणी प्रस्तुत करना, यानी बारंबारता बटन सारणी हमने दोनों क्वेश्चन में कर दी, और तो कुछ नहीं पूछा है। और कोई क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर दो में, नहीं पूछा ना, सिर्फ इतना ही पूछा है। क्वेश्चन नंबर एक में पूछा था सरलतम और विरलतम जो भी है, जो सबसे अधिक पाया जाता है, सबसे कम पाया जाने वाला ब्लड ग्रुप। तो इस तरह से आपको बारंबारता के बारे में पता चल गया होगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि परिसर किसे कहते हैं, रेंज, परिसर, कमेंट का इंतजार होगा। और आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। टेक केयर, बाय बाय बच्चों, फिर मिलते हैं।